नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एमटी सपोर्ट। मैं हूं आपका होस्ट कम दोस्त खुशहाल बाग, और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इनिशियल मूवमेंट होता क्या है। बहुत सारे लोग उसको ट्रिगर मूवमेंट भी बोलते हैं, तो ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रिगर मूवमेंट के बगैर खेलते हो तो क्या आपको ट्रिगर मूवमेंट ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इन सभी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा अंदाजा लग जाए कि ट्रिगर मूवमेंट या फिर कह लीजिए इनिशियल मूवमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनिशियल मूवमेंट या फिर ट्रिगर मूवमेंट किसको कहते हैं। दोस्तों जब कोई फास्ट बॉलर होता है, वो बॉल रिलीज करने वाला होता है, उसी समय पर जो बल्लेबाज होता है उसकी बॉडी नेचुरली रिएक्ट करती है और वो अपने जो रिफ्लेक्सेस है उसको रेडी रखता है, यानी कि वो प्रिपेयर हो जाता है बॉल को खेलने के लिए। उसी को ट्रिगर मूवमेंट कहते हैं, यानी कि उस टाइम पे जो बल्लेबाज की बॉडी मूवमेंट लेती है, यानी जिस हिसाब से उसकी बॉडी मूवमेंट करती है उसी को बोलते हैं इनिशियल मूवमेंट या फिर कह दीजिए ट्रिगर मूवमेंट। तो दोस्तों बहुत सारों के मन में ये सवाल है कि क्या हमको इनिशियल मूवमेंट करना फर्जियात है, मतलब कि मेरे को इनिशियल मूवमेंट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा कोई भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको इनिशियल मूवमेंट करना ही है। बहुत सारे बड़े बड़े बल्लेबाज मैंने ऐसे देखे हैं जो बिना किसी इनिशियल मूवमेंट के काफ़ी अच्छा खेल लेते हैं। एक नाम मेरे को याद आता है, आंद्रे रसल की बैटिंग तो आपने देखी होगी। उनकी बैटिंग में बिल्कुल भी इनिशियल मूवमेंट नहीं होता, फिर भी वो आसानी से लंबे लंबे छक्के जड़ते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और साथ में यूट्यूब के वीडियो में कमेंट करके मेरे को बोला है कि मैं अपनी बैटिंग में इनिशियल मूवमेंट को ऐड करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये एक चीज़ है जो आप ऐड नहीं कर, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको आप ऐड करें, क्योंकि ये एक नेचुरल है। मतलब इसमें आपको मतलब किसी को मतलब आपने विराट कोहली को देख लिया, अब आप सोचोगे कि मैं विराट कोहली के जैसा इनिशियल मूवमेंट लूँ, तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप बिना किसी इनिशियल मूवमेंट के अच्छा खेल रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसे ही आप कंटिन्यू रखिए, ये काफ़ी एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते कि आपका इनिशियल मूवमेंट या फिर कह लीजिए ट्रिगर मूवमेंट कैसा होना चाहिए। दोस्तों आपका इनिशियल मूवमेंट या ट्रिगर मूवमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी हिसाब का जो बॉल आए तो उसको आप एडजस्ट कर पाए, यानी अपनी जो बॉडी है उसका मूवमेंट अच्छे से कर पाए। क्योंकि हम ट्रिगर मूवमेंट करते ही इसीलिए है कि आपका जो बॉडी है वो मोमेंटम में आ सके, जिसकी वजह से आपको शॉट खेलने में आसानी हो। तो अगर आप ट्रिगर मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका जो बॉडी है वो कुछ इस हिसाब से होना चाहिए कि आप आसानी से कोई भी प्रकार का शॉट हो वो एडजस्ट कर पाओ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं चीज़ बता दूं कि जब आप इनिशियल मूवमेंट या फिर ट्रिगर मूवमेंट ले रहे हो तो एक चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखना कि आपका जो हेड है वो स्टील होना चाहिए। यानी कि देखिए आप, जैसे कि मैं यहाँ पर इनिशियल मूवमेंट ले रहा हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा हेड जो है वो बिल्कुल स्टील है, यानी कि पूरा स्थिर रहना चाहिए और बॉलर के सामने रहना चाहिए ताकि आप बॉल को अच्छे से विजुलाइज कर पाए, आप बॉल को अच्छे से फोकस कर पाओ और आप बॉल को आसानी से मार पाओ। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए, जब आप इनिशियल मूवमेंट ले रहे हो आपका जो हेड है वो स्टील होना चाहिए, साथ ही में आप आसानी से फ्रंट फुट या आसानी से बैक फुट पे जा पाओ, ऐसा इनिशियल मूवमेंट होना चाहिए। आपका इनिशियल मूवमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कमिटेड हो जाओ। इन बहुत सारे का इनिशियल मूवमेंट ऐसा होता है कि वो आगे कमिटेड हो जाते हैं, फ्रंट फुट पे कमिटेड हो जाते हैं, उसके बाद वो बैक फुट पे नहीं आ पाते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका इनिशियल मूवमेंट ऐसा होना चाहिए कि जब वो बॉलर बॉल डाले तो आपका जो बॉडी है वो किसी भी तरह बॉल को मतलब एडजस्ट करना सीखे, मतलब एडजस्ट कर पाए, क्योंकि ये गेम है एडजस्टमेंट का। जितना अच्छा आपका एडजस्टमेंट होगा उतने ही बढ़िया आप बल्लेबाज या फिर बॉलर बन पाओगे। तो दोस्तों कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो इनिशियल मूवमेंट है वो नेचुरली रहने दीजिए, और अगर आप इनिशियल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप मत ऐड कीजिए अपने गेम में, क्योंकि वो फालतू का ऐड ऑन हो जाएगा और उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ऊपर से आपका जो गेम है वो और ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी प्रकार के और क्रिकेट टिप्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।